What's up, Stress Fam? Hello and welcome to today's episode of Big Scratch by Sex. Yes, that's right. And today we will be listening to Round 1 by Bella and Big Smile. It says, Hindi rap 18 plus description mein ek shabd bhi nahi likha hua hai. As far as I know, bhai, this is a diss to somebody. Something is going on scene mein, koi idea nahi hai. Abhi aise beef season chal raha hai, bhai. Har koi kisi se bhi lad raha hai, pata nahi kya kya cheeze ho rahi hai scene mein. Bella bhai is back at it again. I remember him putting a story and he was like, ah, dekho, diss hai, toh kitne views aa rahe hain. So there's a round one and then ek round two bhi aaya hai. So round one is with Big Smile and that is on Big Smile's channel. Round two jo track hai, wo Bella bhai ke channel se aaya hai. So I don't know, ye sunte hain, then probably we're gonna cover the same track in this video ya fir the wo wala track hame ek aur alag video mein sunenge. Depends on the vibe. Without further ado, we are gonna jump straight into it. This is Big Scratch by Sex. We are listening to Round 1 by Bella and Big Smile. Let's get it. आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने. अब मुझे लटका देंगे. जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी. थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा भाई मुझे नीचे उतारेगा. फिर आप चर्चा करते घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे. कुछ पे काम नहीं है, आजा तुझे काम दूं. जहाँ से आया तुझे वहीं उल्टा टांग दूं. ये रैपर्स फेक बंदे क्राई लगते कार्टून्स. के मैं टांग तेरी छाती पे दा हार दूं. मैं असलियत और इत्तेफाक दूं. ये लेते बीफ अपने बाप से, फिर शहर बदल के तू छिपे कहाँ हिंदुस्तान में. हाथ जोड़ या फिर तू छोड़ दे बकचोदियाँ. तुझसे अच्छा रैप करती मेरे संग की छोरियाँ. भाई भाई भाई, who is he talking about? Vocal texture बिल्कुल ही change. He's getting so aggressive with the shit. Somewhere deep down it feels like this shit is just for fun. It's like he's just hai na, matlab log jaise hunting karte hai, it just feels like that. Ki it's not like he's really affected by something, but at the same time he's like, yeah, kya chudi aapa chal raha hai. This is my two cents on that. ये लेडीज बीफ अपने बाप से, फिर शहर बदल के तू छिपे कहाँ हिंदुस्तान में. हाथ जोड़ या फिर तू छोड़ दे बकचोदियाँ. तुझसे अच्छा रैप करती मेरे संग की छोरियाँ. जब इनको काम नहीं है मुझसे तो मैं सेल्फिश. ये सस्ते गैंगस्टर्स हैं पूरब झाके एल्विश. जो इनका एक गाना चलता नहीं तो क्राइसिस. लड़ू ना लिखा कर इतना ज्यादा सेक्सिस्ट. ये गाना गाना ना, ये पर्सनल है. पहला शांत अगर गुस्से में तो दर्शन ले. मैं इंसेन और मेरा मकसद है इंसेन. I'll make you scream, yes, smackdown, here comes the pain. मैं फ्रेडी क्रूगर जिसके क्यूबन में असली डाइम. मैं तेरे सपने में तो तेरी मौत है क्लासिफाइड. मेरे क्लॉज तेरी. मैं फ्रेडी क्रूगर, उसके साथ क्यूबन्स का क्या लिंक है? डोंट नो. मैं फ्रेडी क्रूगर और मेरे क्यूबन, मतलब क्यूबन लिंक चेन पे है असली डाइम. सो आई पुट लाइक इट्स मेड अप ऑफ रियल गोल्ड और मे बी रियल डायमंड्स इफ ही हैज गॉट इट कस्टम. सो मैं फ्रेडी क्रूगर. आई व्हाई डू आई फील लाइक समवेयर दिस इज बीइंग सेड टू SOS बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट थिंग्स लाइक मेकिंग थिंग्स पर्सनल. बिकॉज ये ट्रैक आया था सीधे मौत के दिस से पहले. SOS ड्रॉप दे ट्रैक एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हेन दिस केम आउट ASAP. So, I think it's a response to SOS. और also ये feeling मेरे को इसलिए आ रहा है क्योंकि जो लिल भवी है, he also dropped, he's from Delhi, so he also dropped, like he showed this snippet जो मैंने Twitter पे देखा कि he's ready with this very brutal response to SOS. मतलब it seems like this whole Delhi scene is, मतलब वो एक Delhi versus कश्मीर वाला कुछ तो उस डायरेक्शन में जा रहा है. सो फ्रॉम देयर मुझे लगता है, पता नहीं, मे बी दिस इज अ रिस्पांस टू SOS एंड व्हाटएवर दे सेड इन देयर ट्रैक. यस, स्मैकडाउन, हियर कम्स द पेन. मैं फ्रेडी क्रूगर जिसके क्यूबन में असली डाइम. मैं तेरे सपने में तो तेरी मौत है क्लासिफाइड. मेरे क्लॉज तेरी गैंड फाड़े लोगन टाइट. गाने बैंगर चाहे अपोलो या फोकस राइट. चुके देख मेरी बंदी तेरी हस्ती चूर. ती गंदी सोच तेरी अपनी मां की कच्ची सूं. मेरे आगे तेरे भाई, the fuck, the fuck, the fuck, the fuck, the fuck, भाई, shit, भाई, shit, who the fuck is he talking about, bro? Who the fuck is he talking about, bro? No, let's just move on from that. Let's just move on from that. Yeah, just हाँ. तेरी हर दलील हो गई ओवररूल्ड. गले तेरी बहन मेरी गलियों में पकाला सूट. ओए शी सो हॉट, उसको चूम लूं क्या? तेरा करियर 2 रुपए का, उस पे थूक दूं क्या? बाकी चूत तेरे घर में घुस के मुंह पे मूत दूं क्या? पहला जितना अच्छा उतना जुल्मी, अब सबूत दूं क्या? ये बस तोहफा तेरे नाम का, आगाज मेरी शुरुआत का. पहला चिल्लाए नहीं था हारता. तेरे मेरे में फर्क औकात का. बिच, अगली बार मुंह खोलना सोच के. तेरी गर्दन अपने हाथ में जब चाहे तोड़ दे. गांड मेरा दम, मेरा नाम लेके बोल. मेरा नाम बदल देना अगर जिंदा तुझे छोड़ दे हम. बिच, आ गए मेरी मौत का तमाशा देख. भाई, who I really want, who is he talking about, भाई? मतलब
ये राउंड वन वाला भाई है नहीं, इस पे जो बातें हो रही है मतलब फक मैन द फक भाई। ए हे यार ये लाइट मेरे को यार वोंट लेट मी स्लीप एट नाइट ब्रो दैट फक आ गए मेरी मौत का तमाशा देख। तब तक लेगा तू सस्ते नशे के मजे बोल, मैं कम बोलूं ज्यादा करते मेरे चाटे शोर, तेरी गांड में दूं 32 बोर 36 बार, अगले दिन तू नहीं जाएगा जाएगी तेरी जिंदा लाश। तू रैप करता लगे काल्पनिक बॉस, तेरे फैंस तेरे जैसा गादे चार दिन बहुत, तू मेरा फैन बॉय होके मेरा लोवेस्ट कंपटीशन। यार तेरे फैंस गादे, तेरे फैंस तेरा जैसे जैसा गादे। ओ भाई दैट्स अ डोप लाइन। तेरे फैंस तेरे जैसा गादे उनके लिए चार दिन बहुत है, सो चार दिन में तेरे फैंस तेरे जैसे साउंड करने लग जाएंगे, इतना ही तू बेसिक काम करता है ब्रो। हु इज ही टॉकिंग अबाउट मेरे भाई, कुछ तो वर्ड प्ले या कुछ करके, कुछ तो नेम ड्रॉप या कुछ कर दो भाई। लगे काल्पनिक बॉस, तेरे फैंस तेरे जैसा गादे चार दिन बहुत, तू मेरा फैन बॉय होके मेरा लोवेस्ट कंपटीशन, ये खुद भी नंगे जनता को भी करना चाहते रॉक बॉय। तुझे लगता है कि तू साइंटिस्ट है भोसड़ी के, तेरा भाई ओजी बैठा 90s से, ब्रिंगिंग अप द हीट सीन में तेरा माल चाइनीज है, तुझे फोल कौन है डबल पीस भेंच और पायनियर्स हैं, ये एमसी इतने मैच्योर चाहिए एमसी क्यों इन। सो कौन है डबल बीज है वो पायनियर्स है, सो बिग स्माइल एंड बेला डबल बीज भाई आ जाओ। चाइनीज है तुझे फोल कौन है डबल बीज भेंच और पायनियर्स हैं, ये एमसी इतने मैच्योर चाहिए एमसी क्यों इन नेम, इन्हें लगता गेम इज इजी लाइक सम एमसी क्यूज इन प्ले। तू है मीठा रैपर गानों में ना बोला कर तू स्ट्रेट अप, पूछ तेरी मां और मेरा कली हुआ ब्रेकअप डैम। ए यार फक ब्रो ये क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है ब्रो यार। तो पूछ तेरी मां और मेरा कली हुआ ब्रेकअप डैम, मैं हंसता लड़कों पे आई एम रैप मैन तू फैट मैन, ये थेरेपी जो तेरे कैटलॉग से है वे अप, ये ले स्लैप बैक मेरे स्नैप बैक में हिप हॉप, मेरे डीएनए में है जानवर, मैं काफिर कुछ खाकर उगलूं अंधेरा प्रकाश पर, भैंचो तू है पैंचोर तेरी म्यूजिक वीडियो लगे टिकटॉक, जो आया मैं सामने पैर पसार के बोलेंगे मार लो बिग बॉस, मैंने भी खा लिया हां तेरे जुनून पे लगा हुआ लिप ग्लॉस, करूं ना किसी पे विश्वास क्योंकि विश्वास से हूं विश्वास, आई एम जीनियस Bella Phineas mein fub, maine mere seene se utare millions of curves, the hardest shit sa aachu ke dekh mera turf, maine teri kaun si haddi todi confusion nurse, bitch ye le tohfa tere naam ka, aagaaz meri shuruaat ka, biggie chilla nahi dhaad ta, meri kalam se mera itna zyada raabta, bitch agli baar muh kholna soch ke, teri gardan apne haath mein jab chahe tod de, gaand mera dam mera naam leke bol mera naam badal dena agar zinda tujhe chhod de hum, bitch बोलने को तो मैं क्या बहुत कुछ बोल सकता, सबको पता है ब्रो मैं तेरे से बहुत बढ़िया रैपर, ये डेस वेस करना मैंने बहुत पहले छोड़ दिया ब्रो, तेरी जनता को पता है कि बेला जितना अच्छा आर्टिस्ट है ना ब्रो उससे बहुत ज्यादा बुरा बंदा है क्या। hey, you know it's BYG, यहां मैं ही क्रिमिनल हूं, मैं ही CIP, मैंने गाने बेचे कल परसों 3 फीट ली, जो तू मेरे हाथ चढ़ा होगा CMC। यार कमेंट्स यार, आई नीड द कमेंट्स राइट नाउ डूड। ये डिस्क इस पे है, रैप करती मेरे संग की छोरिया एमसी स्क्वायर स्पोकन इन इंटरव्यू अबाउट गर्ल्स नॉट डूइंग रैप, पूरब झा के एलविश एमसी स्क्वायर बीइंग हरियाणवी, तेरे माँ में फर्क हाउ बोथ वन एमटीवी हसल 32 बोर, एमसी स्क्वायर सॉन्ग का बार है साइंटिस्ट में पेंच और बार्स इन वन ऑफ एमसी स्क्वायर ट्रैक, एमसी क्यू इन नेम रेफरेंस टू एमसी स्क्वायर नेम। Is this about MC Square? मतलब why? Why, dude? I need to listen to part 2 right now. यार क्या सीन है? It says round 2 Bella. This isn't a diss. Nah, I don't believe that shit, bhai. एक सेकेंड, इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। सेम ओल्ड भाई, अब मैं नहीं पढ़ूंगा कमेंट्स। आई रियली फील लाइक दिस इज अ डिस, फुल ऑन कैप है, दिस इज अ डिस, आई फील लाइक दिस इज अ डिस भाई। आ जाओ सुनते हैं, लेट्स फिगर दिस शिट आउट ब्रो। एमसी स्क्वायर और डबल बीज भाई, क्या हो रहा है ब्रो, क्या हो रहा है ब्रो। बदनाम बड़ा कमरे का तापमान, इन्हें पसंद आती ब्ला 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 ब्ला, दो जान बचा बन बेटा माँ का, मैंने गाने फिकर लेने के लिए बेंटली, लेकिन मैंने आसमां से गिरे हुए रैपर्स बनते हैं बहुत ज्यादा फ्रेंडली, इन्हें नहीं पता कि मैं मांबा ब्लैक
मैं तेरे बाप से भी डेडली है रखी मैंने आशा तो बंदी भी पाशे के जैसी जो राज है होठ पे रखती वो लड़को को करती फेल विस्की में रम को मिला के कटकती आधे रैपर साले पॉकेट मारे बाकी आधे बैठे पूरा लेबल चाटते खुद के घर वालों का पेट नहीं पालते इन्हें पैसा फेंक के देखने रोड पे तमाशे तभी तभी तो नहीं तेरे में ये एनर्जी जितना ज्यादा हम बलू में दिस दैट बेला भाई दिस इज दैट बेला ब्रो दिस इज दैट बेला आई नीड टू लिसन टू दिस ट्रिपलेट फ्लो भाई इट्स बिलो वाइल पाशे के जैसी जो राज है होठ पे रखती वो लड़को को करती फेल विस्की में रम को मिला के कटकती आधे रैपर साले पॉकेट मारे बाकी आधे बैठे पूरा लेबल चाटते खुद के घर वालों का पेट नहीं पालते इन्हें पैसा फेंक के देखने रोड पे तमाशे तभी तभी तो नहीं तेरे में ये एनर्जी जितना ज्यादा हम बलू में उतना ही एलिगेंट मेरा हर एक साउंड उतना न्यू जेन आजा तेरे फेवरेट को भी तुम्हें ट्यूशन चला जा खेले ट्रू थंडर मैंने करा कौन सा फ्लो तेरे फेवरेट कैन नॉट ट्रैक मुंबई शो तो मैं हाई फाई ड्रेस्ड दिल्ली में बिना शर्ट बैगी पैंट्स या 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 आई बीन मूविंग लाइक आई एम संजय दत्त और लाइक भाई मुंबई में शो है तो हाई फाई पैंट्स और दिल्ली में है तो फिर बिना शर्ट्स और बस बैगी पैंट्स हाई फाई ड्रेस और बिना शर्ट और बैगी पैंट्स इट डिपेंड्स भाई मैं ब्रो जहां जो मर्जी तो मैं हाई फाई ड्रेस्ड दिल्ली में बिना शर्ट बैगी पैंट्स या 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 आई बीन मूविंग लाइक आई एम संजय दत्त और गांडे फटके हो गए चार मैं जब से आ गया इन दिस सीन इज I believe मैं इतना easy नहीं to handle मेरे में बहुत ज़्यादा agony कूट-कूट के भरी हुई melody होता नहीं जो rapper तो होता मैं एक singer फिर भी तेरे से तो 10 गुना ज़्यादा होती salary ये hit क्योंकि एक गाना hit बाकी 8 गाने flop तो ये लड़ा superstar पहला इन्हें मुक्के मार चार अगर तेरे मुंह पे आके लौड़े करेंगे सवाल बनी मेरी आइडेंटिटी मेरा नाम क्या है ये पूल पड़ा खाली क्यों है शक का है तेरे कांधे पे बंदूक रख के तेरे करियर का अच्छे से लाभ उठाएगा लेवल तो चूज करना तू काफी वाइजली बनना तू हैरी पॉटर ना बनना वीजली कोई नहीं कर रहा ओपन तेरा शो कभी अरे गरे रैपरों को हैरी गरे फीस दिए अभी मैंने 3-4 रैपरों को शॉट दिए ऐसा बोलने वाले यहां बहुत खड़े बेफिजूल मैं फक नहीं देता क्योंकि बिजी मेरा शेड्यूल चेंज नहीं करूंगा मैं ये एटीट्यूड आई कैन बी सो मीन Full on Drizzy Drake vibes bro kisko phaad ke uske baad banda bas gaane ga raha hai I can be so mean yeah they cannot destroy me main bechunga nahi loyalty hi itna mean yeah I can be so mean yeah they cannot destroy me main bechunga nahi loyalty haji itna mean भाई भाई आई लव दिस ट्रैक भाई आई लव द वो पिछला वाला ट्रैक भाई सदमा है ब्रो वो सुन के इट्स लाइक क्या मतलब इट्स लाइक सो पर्सनल बस एक नाम लेना बाकी है ब्रो जैसे अगर एक बस नाम आ जाता उसके साथ ब्रो मतलब वो सुनना मुश्किल हो जाता गाना बट राउंड टू इज लाइक दिस इज वो देयर वाज दिस होल फेज जहाँ पे बेला वाज ड्रॉपिंग मिक्स टेप्स आफ्टर मिक्स टेप्स राइट और हर मिक्स टेप में मोर और लेस एक ऐसा गाना हुआ करता था जो मतलब बहुत ज़्यादा लाइक फुल ऑन रैप हुआ करता था उसमें सो दिस इज ये वो वाला है जहाँ पे इज दिस जस्ट नॉन स्टॉप स्पैजिंग एंड रैपिंग भाई एंड आई लाइक राउंड टू मोर देन राउंड वन बट स्टिल भाई आई एम सो कन्फ्यूज चलो फिर से वापस चल जाते कॉमेंट्स में बेला भाई ने इक्का के साथ दारू पी ली लग रहा है यार I am just Bela bhai rukne ke mood mein I am just so clueless bro matlab ye scene kya chal raha hai who is he talking about what is going on because story mein dekh ke to lag raha tha the way he was like matlab bahut chill lag raha tha ki chalo ye ne ek disc fake diya but wo story ka energy aur round 1 jo track tha uska jo energy hai dono itna zyada different hai but then when it came to round 2 it's like theek hai I'll keep it more about the skills and more about thoughts then you know round 1 was like pure hatred or anger matlab bhayankar sexist cheeze aur matlab kuch bhi matlab it feels like something got like really personal behind the scenes and he's talking about that but round 2 is more you know skill set pe and like artist ya rapper to rapper chal raha hai it's not a person to person thing यार आई पर्सनली आई प्रेफर राउंड टू बट स्टिल आई एम सो क्लूरस कि भाई सीन मतलब है किसको लेके क्या बातें हो रही है क्या कॉन्टेक्स्ट आई एम प्रीटी श्योर एवरीबडी इज जस्ट यू नो थ्रोइंग डार्ट्स इन द डार्क तो सब कोई गेसेस ही कर रहे हैं नीचे बेला भाई का क्या कहना है गॉड डैम बस यार क्या यार अंधेरे में मत रखो लोगों को भाई सो क्लूरस वट इज गोइंग ऑन बट राउंड टू यार आई थिंक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम गॉट टू सी दैट मतलब वो रैप वाला Bella, समझ रहो So that's about it. You guys let me know what do you think. I'm gonna come back to round 2. Playlist potential meter के हिसाब से I think this track I need some more time to you know rate this. But for right now I think it's like a 4 on the playlist potential meter again. That वो
दैट रेटिंग इज ओनली अबाउट ये गाना अभी के अभी मेरे प्लेलिस्ट में जाने का कितना चांस रखता है. सो आई थिंक आई नीड टू कम बैक टू द ट्रैक टू यू नो फेयरली रेट दिस ट्रैक. राउंड वन भाई लाइक आई सेड उसका प्लेलिस्ट पोटेंशियल मीटर पे रेटिंग जीरो है, वो मैं नहीं सुन सकता. अभी मैं सुनाऊँ दैट वन लाइन वो चल रहा है मेरे दिमाग पे, आई डोंट वॉन्ट टू रिविजिट दैट. बहुत ज़्यादा भयंकर भाई, टू ब्रूटल, आई डोंट नो भाई. सो या दैट्स व्हाट आई थिंक. आप लोग बताओ कि आपके PPM प्लेलिस्ट पोटेंशियल मीटर में क्या रेटिंग रखता है गाना. इज इट पॉसिबल फॉर यू टू लिसन टू राउंड वन वंस अगेन या फिर पुट इट इन योर प्लेलिस्ट, लेट मी नो अबाउट दैट. एंड क्या चल रहा है भाई, कॉन्टेक्स्ट, आई नीड कॉन्टेक्स्ट. सही बात है कि कैमरा है मेरे पे, माइक है, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आई टॉक अबाउट सॉन्ग्स, लेकिन सीन से मैं इतना ज़्यादा डिस्कनेक्टेड रहता हूँ बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई ओन शिट. आई जस्ट हैव नो आइडिया कि भाई क्या चल रहा है. मैं यहाँ आके मैं गाने सुनता हूँ बट स्टोरीज मेरे को तुम लोगों से पता लगता है. सो डू योर थिंग भाई, मेरे को बताओ. दैट्स अबाउट इट, थैंक यू सो मच वंस अगेन. इट्स योर बॉय बिग स्क्रैच, आई लव द स्ट्रेस फैन. Now, Paolo. Drinks and I'm faded. Have you got in mind me bazaar mein? Meri zimmedari aake mujh pe thaam de. It's suffocating par ye hawa mujhe nahi hai pasand aur tere bina rahe khali khali tere bina shayad mera alag daur. Raatein aati yaadein laati raatein jaati leke jaati hai wo zakhm noch kaati sa.